चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग सोलेनोइड। तुम लोग पहले ये जान लो कि सोलेनोइड होता क्या है। तो अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल हेलिक्स, मतलब जो होता है जो वायर को हम लोग क्वाइलिंग करते हैं ऐसे 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 हेलिकल फॉर्म में। ये तुम लोग को अपने बहुत सारे सर्किट में दिखता भी होगा, या आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग टाइप का जो होता है, स्प्रिंग टाइप का, कि अगर स्प्रिंग टाइप का कुछ ऐसे हमने वायर का वाइंडिंग किया है और जब उससे हम लोग करेंट पास कराते हैं तो वो करता है एक एज अ सोलेनोइड। ओके, तो अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल हेलिक्स, इट इज मेड बाय वाइंडिंग क्लोजली अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वायर का टर्न हम लोग जब क्लोजली वाइंड करते हैं तो फॉर्म होता है। ओके, और ये जो आप वाइंडिंग कर सकते हो ना, ये आप एक कार्डबोर्ड के ऊपर भी कर सकते हो, या आप चाइना क्ले के ऊपर भी कर सकते हो। चाइना क्ले में जिसको बोलते हो चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी के ऊपर भी आप इसका वाइंडिंग कर सकते हो। या फिर हम लोग बहुत सारे केसेज में ये वाइंडिंग हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर पे भी करते हैं, जैसा कि और तुम लोग को आइडिया होगा, बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वहां पे हम लोग ये जो वाइंडिंग करते हैं वो करते हैं ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये सब तुम्हारा होता है इस ऐसे सिचुएशन को, ऐसे ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये सोलेनोइड बना हुआ है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कि हम लोग इस सोलेनोइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और एक पॉइंट पे जो कि पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करे। देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ये जो मैंने आपको डॉट से लाइन ड्रॉ किया है ना, ये आपका है एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, और इसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी रहेगा, तो आपको बताना है उसके कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं नाम देता हूँ एक्सिस को एक्स एक्स डैश। ओके, अच्छी बात है सर। इसका दो एंड है सोलेनोइड का, आपका ये एंड ए है, आपका ये एंड बी है। मान लो इसमें करंट आई आ रहा था और सबको वाइंडिंग दिख रहा है मैंने कैसे वाइंडिंग किया है, और मान लीजिए कि इस सोलेनोइड का रेडियस आर था, इस सोलेनोइड का लेंथ एल है, और इस सोलेनोइड के लिए मैंने एक और टर्म लिया है स्मॉल एन, और स्मॉल एन आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सब लोग इसको याद रखना, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सोलेनोइड। ओके, चलिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे कहानी भी थोड़ा सा लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर एंड एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड इज एक्स एक्स डैश। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सोलेनोइड, एक्स एक्स डैश आपका है एक्सिस, और हमको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इसके एक्सिस पे लाई कर रहा था, इनसाइड द सोलेनोइड था और उसके एक्सिस पे लाई कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल उठता है कि सर इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करें, कैसे हम लोग फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से अगर देखो तो ये सोलेनाइड को हम लोग मान सकते हैं ना कि बहुत सारे ये सर्कुलर टर्न से मिलके बना हुआ है, या बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलके बना हुआ है। बस अंतर ये हो जा रहा है कि अगर आप इसको बहुत सारा सर्कुलर लूप मान रहे हो तो उसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसका रेडियस सेम नहीं रहेगा। कि आप अगर कोई एक लूप उठाते हो, जैसे देखो हमने जो अभी फाइंड किया था इससे पहले किस्म, उसमें क्या था, उसमें एक लूप था और ये पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट पी के लिए जो इसका रेडियस कुछ आ रहा था आर, और इसके सेंटर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आ रहा था कुछ एक्स। लेकिन इस केस में जब बहुत सारे टर्न्स ऐसे होंगे तो आप उन सारे टर्न से पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस आपका सबके लिए चेंज कर रहा होगा। आप लोग इतना इस बात से सहमत हो, लेकिन एक आइडिया हमको मिल गया है कि इसको हम एक अप्रोच कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग जो सर्कुलर लूप के लिए एक्सिस वाला फॉर्मूला सीखे हैं उसी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, अप्रोच करना स्टार्ट करें। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने तुम बोला कि तुम इसको इस सोलेनोइड को थोड़ा बीच से काट दो, बीच से काट दो मतलब कि इसको स्लाइस करो, तो तुमको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ ऐसा आएगा। सब लोग देखो ध्यान से, जैसा हमने एक सर्कुलर लूप के लिए बनाया था तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे होंगे लूप, तो फिर आपको बहुत सारे लूप की तरह इसको ट्रीट भी करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे किया है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो हम लोग फिर से एक बात बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे
आप अगर देखो तो क्या होगा कि आपको करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा, और इधर वाले देखो, इधर वाले से आपको करंट, देखो इसमें करंट कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, दिस इज द करंट, दिस इज द डिरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डिरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो। तो आपको इस यहाँ पे ऊपर में करंट अंदर जाता हुआ दिख रहा होगा, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहां से आपको, एक मिनट रुको, हाँ देखो, तो यहां से करंट जाएगा फिर पीछे से आएगा, तो कुछ ऐसा होगा ना, अब ठीक है ना, देखो तो करंट का ऐसा होने वाला है डायरेक्शन। ओके, तो मतलब कि ऊपर वाले में आपको दिखेगा अंदर जाता हुआ, देखो ऐसा क्रॉस क्रॉस, और उसके नीचे वाले से मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन है वहां से आपको बाहर आता हुआ दिखेगा, तो वहां पर हम वो डॉट शो करते हैं, शो कर सकते हैं, जैसे हमने शो किया था पूरा सर्कुलर लूप, सबको याद है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लूप बनेंगे, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे डॉट और क्रॉस शो करना होगा, तो मैं कर रहा हूँ शो। हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लूप बन रहे हैं, तो बहुत सारे आप ऐसे शो कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनोइड। और हम कर क्या रहे हैं कि सोलेनोइड वाले क्वेश्चन को हम सर्कुलर लूप वाले क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। और ये था एक्सिस एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट पी था, और इस पॉइंट पी पे ही हमको फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका सोलेनोइड का एंड ए था, ये एंड बी है, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस आर है, और मैंने एक चीज और माना है, मैंने यहाँ पे एक पी से इधर एक वर्टिकल लाइन बनाया है, और ये जो एंड ए एंड बी है सोलेनोइड का, देखो यहाँ से ये जो एंड ए और बी है सोलेनोइड, इसने वर्टिकल लाइन से अल्फा और बीटा एंगल बनाया है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वर्टिकल लाइन से अल्फा और बीटा एंगल बनाया है। आप देखो फिर से यहाँ पे हमने एंगल कहाँ से लिया है, सबको याद रखना होगा कि हमने वर्टिकल लाइन से एंगल लिया है अल्फा और बीटा, सबको ये यहाँ पे याद रखना कि आप एंगल कैसा ले रहे हैं। ओके चलो, अब हमने तुमको बोला कि हमको एक अप्रोच करना है कि इसको सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट करना है, लेकिन इसमें बहुत सारे लूप हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। हम लोग क्या ले रहे हैं यहां पे, हम ले रहे हैं एलिमेंटल रिंग ले रहे हैं, या लूप आप बोल सकते हो, एलिमेंटल सर्कुलर लूप। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो तुम्हारा सोलेनोइड था वो बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए हमने जो एलिमेंट लिए हैं वो लिए हैं सर्कुलर लूप। ओके, और वो जो आपका एलिमेंट है, देखो कहीं यहां पे हमने लिया है, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट। हालांकि ये तुमको सर्कुलर नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो कि ये इसका फ्रंट व्यू जो है वो कुछ ऐसा है, और ये तुम्हारा एलिमेंटल रिंग है, और इसका जो हमने थिकनेस लिया है ना, थिकनेस वो हमने लिया है डीएक्स, डीएक्स इज द थिकनेस ऑफ द लूप। और ये जो हमने एलिमेंटल रिंग लिया है या लूप लिया है, वो मान लो कि इस पॉइंट पी से आपका एक्स डिस्टेंस पे था, सब लोग ध्यान से देखो, ये मेरा पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे था। उसके अलावा इसका जो थिकनेस है, ऐसा बोलो, इसका जो इसका विथ है, एंगुलर विथ, वो आपका कुछ होगा डी थीटा, डी थीटा इज द एंगुलर विथ, और ये इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे था, सब लोग एक बार ध्यान से देखो इसको, डी थीटा उस रिंग का विथ है और वो उस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ड्रॉ करना इसको, ये कुछ ऐसा है, दिस इज अ थीटा, दिस इज एलिमेंटल रिंग, और इसका जो विथ है वो विथ है डी थीटा।
कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं फाइंड करने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, और उसको मैंने नाम दिया है डीवी। अब देखो जो पॉइंट पी होगा ना, वो इस एलिमेंटल रिंग के लिए उसके एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो हमने अभी जस्ट सीखा है एक्सिस वाला फॉर्मूला, तो उसी का यूज करेंगे। अब तुमको एक बात और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसमें जितने भी लूप्स होंगे सब में क्या है, सब में करेंट का डिरेक्शन सेम है। मतलब मेरा कनेक्ट तो मतलब सब में करेंट था इन क्लॉकवाइज, और अगर सब में करेंट आपका क्लॉकवाइज में है मतलब फील्ड कहाँ आने वाला है, फील्ड आपका आएगा एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो सबका फील्ड कहाँ आने वाला है, सबका फील्ड आने वाला है एलोंग निगेटिव एक्सिस, एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है ना हमने कैसे बोल दिया कि फील्ड आपका नेट फील्ड आएगा एलोंग निगेटिव एक्सिस, क्योंकि सब में करेंट कहाँ, सब में करेंट था इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन। ओके, अब वैल्यू कितना आने वाला है बोलो। तो वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है बोलो, कि म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ओके वेरी गुड। और यहाँ पे ये एन क्या था, यहाँ पे जो ये तुम्हारा स्मॉल एन था वो था नंबर ऑफ टर्न्स, वो था तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स। और इस सोलेनोइड के लिए जो हमने एन लिया है वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो चलो एक बार देखते हैं। तो इस एलिमेंटल रिंग के लिए इस पॉइंट पी पे फील्ड तो हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट, और जहां पे एन है तो एन क्या है, एन था नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो तो मैंने यहाँ पे लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। और इसका थिकनेस कितना था, इसका थिकनेस था डीएक्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस डीएक्स इज एन इंटू डीएक्स, स्मॉल एन इंटू डीएक्स। और यहाँ पे जो तुम्हारा स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सब लोग इसको याद रखना। ओके, ये तुम्हारा हो गया म्यू नॉट एन डीएक्स, करेंट तो आई हो जाएगा, और रेडियस जितने भी लूप बनेंगे सबका रेडियस आपका आर ही होगा। रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके ना, ये तुम्हारा हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके वेरी गुड, ये तुम्हारा आ गया वैल्यू ऑफ डी वी। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो वेरिएबल हो वो जाए एंगल, हम चाहते हैं कि मेरा जो भी आंसर आए वो आए इन द फॉर्म ऑफ एंगल। तो हमको यहाँ पे एक्स वाले को हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स तुम्हारा है वेरिएबल, क्योंकि एलिमेंट जैसे जैसे तुम्हारा चेंज करेगा उसका पॉइंट पी से डिस्टेंस चेंज कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। देखो तो फ्रॉम डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, सब लोग चेक करो तो क्या लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, चेक करो तो है ना। देखो तो सब लोग टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर पक्का है ना। तुमको डाउट है कि हमने वहां पे एन डी एक्स क्यों लिया, तो एक्चुअल में जो हम लोग जब हम लोग सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला करते हैं ना डिराइव, तो सोलेनोइड के लिए वो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये जो सर्कुलर क्वाइल के लिए फॉर्मूला में एन था वो था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हमको डीएक्स लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए था तो हमको उसमें स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना। हाँ, तो इन द केस ऑफ सर्कुलर क्वाइल स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इन द केस ऑफ सोलेनोइड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों अंतर है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया था पहले। अब देखो तो यहां से आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आर टेन थीटा। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम कर देंगे पुट आर टेन थीटा, तो वहां पे डीएक्स भी था, तो डीएक्स के लिए आपको इसको करना होगा डिफरेंशिएट। अब केवल मैथमेटिक्स है, ओनली मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा डीएक्स बाई डी थीटा इक्वल टू आर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डीएक्स आ जाएगा। अच्छा ये वाला तुमको समझ में नहीं आता यही ना। ओके देख भाई सुन देख। ओके देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रफ कैसे मैंने किया है डिफरेंशिएशन।
तो एक्स है तुम्हारा एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, इसमें कोई चाप नहीं है। अब तुमको करना है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हम क्या लिखेंगे कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा, और जहां पे एक्स था वहां पे कर देंगे हम लोग आर टेन थीटा, समझा। तो आर हो गया कॉन्स्टेंट बाहर, हो जाएगा डी बाई डी थीटा टेन थीटा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। हाँ ये सब डाउट होता है, ये सब डाउट हमको भी होता था जब हम पढ़ते थे, तो अच्छा हुआ तुम पूछ लिया। चलो फिर तुम्हारा यहाँ से आ गया कि डी एक्स इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके तो मतलब कि अब इस फॉर्मूले में, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने रफ किया था। देखो तो ये तुम्हारा यहाँ पे जहां जहां पे डी एक्स है वहां करेंगे हम पुट आर सेक स्क्वायर थीटा। तो चलो करते हैं, तो म्यू नॉट एन और डी एक्स की जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड इनटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर, और प्लस जहां एक्स था वहां पे आर टेन थीटा, तो एक्स का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओनली गणित, ओनली मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, खाली मैथ है। अब इसको करो सिंप्लीफाई, अब तो देखो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर क्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टू, और इस अंदर में मैंने आर स्क्वायर ले लिया है कॉमन, यहाँ बच जाएगा वन प्लस सेक स्क्वायर सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का पावर 3/2। अब फिर से हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई इसको, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर क्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टू, और ये तुम्हारा जाएगा आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो यहाँ से तुम्हारा आएगा म्यू नॉट एन आई आर क्यू डिवाइडेड बाई टू आर क्यू सेक क्यू थीटा इंटू यहाँ था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू सेक थीटा इंटू डी थीटा। देखो बस ये बचने वाला है, और ये तुम्हारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ डी बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो फाइनली कितना सिंपल आया है, समझ में आया ना ये, बोलो जल्दी से बोलो बस। तो ये तुम्हारा आ गया डी वी, तो बी नेट क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उसको ले लो बाहर, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब हमको पुट करना है लिमिट, तो चलो देखते हैं, आते हैं थोड़ा ऊपर। तो देखो ध्यान से, तो जो मेरा लिमिट होगा, तो अगर मैं इस लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन था उसको मानूं अगर रेफरेंस लाइन, तो उसके लेफ्ट साइड में मेरा जो एलिमेंट है वो मिलेगा अल्फा तक, और जो उसके राइट साइड में है मिले हमको मिलेगा एलिमेंट वो मिलेगा आपको बीटा तक। तो आपको किसी एक साइड को मानना होगा प्लस और किसी एक साइड को मानना होगा माइनस। तो बोलो हम किस साइड को माने प्लस और किस साइड को माने अल्फा, वो करता है तुम्हारे, बोलो जल्दी से। चलो हम कर देते हैं, तो फॉर सिंप्लिसिटी तुम यहाँ पे करो इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में है तुम उसको मान लो माइनस है, मतलब जिस तरफ निगेटिव एक्स वाला एक्सिस है तुम उसको मान लो माइनस, ठीक है। बोलो बोलो रे, ओके ओके। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लिमिट माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। अब याद रखना कि कैसे मैंने लिमिट पुट किया है और मैं एंगल कहाँ से लिया हूँ, ये तुम लोग याद रखना, खाली फॉर्मूला रखने से काम नहीं होता है, फॉर्मूला में क्या क्या चीज है आपको वो भी याद रखना पड़ता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा और लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और ये जब तुम सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आएगा ना।
अब बस तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड में आएगा नहीं। बस तुम ये फॉर्मूला है याद रखना कि न्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और अल्फा और बीटा क्या था वो तुमको याद रखना है। मैं इसके लिए फिर से तुमको एक बार डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, अल्फा और बीटा कहाँ से हमने एंगल लिया था। देखो ये था अपना सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू, तुम्हारा पॉइंट पी कहीं यहाँ पे था, और ये एंड ए था, ये एंड बी था, और इनका एंगल मैंने लिया था इस वर्टिकल लाइन से। देखो यहाँ से ये था अल्फा और ये था बीटा, सब लोग याद रखना कि एंगल हमने लिया उस वर्टिकल लाइन से अल्फा और बीटा। हाँ डी जो डी था थीटा वो इसका विथ था, जो हम लिया था ना एलिमेंट, यहाँ लिया था एलिमेंट कहीं पे, इसका जो एंगुलर विथ था, एंगुलर विथ दिस इज डी थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे स्मॉल एन क्या था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक बात और, ये फील्ड का कहाँ आने वाला है बोलो डिरेक्शन। तो देखो हमने जो बनाया था तो यहाँ पे जा रहा था क्रॉस और यहाँ पे आ रहा था डॉट, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट, या सिंपली आप बोल सकते हो कि लूप में जो करेंट था वो था इन क्लॉकवाइज, तो फील्ड आपका आएगा अलोंग द एक्सिस एंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपका बी आने वाला था नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आप या तो बोल सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस और along the axis and left side, समझ में आया ना। ओके हाँ याद रखना इसे। और अगर यही तुम्हारा इसमें करेंट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा फील्ड आता इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि फील्ड हमेशा होगा along the axis, फील्ड हमेशा होगा along the axis of the सोलेनोइड। अब तुम्हारा वो हो सकता है राइट साइड या लेफ्ट साइड, तुम उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और इस केस में जो इसका एक्सिस था वो था अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो इफ कैपिटल एन बराबर नंबर ऑफ टर्न, अब मान लो अगर तुमको क्वेश्चन ने बाई चांस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहे सोलेनोइड में, लिखता हूँ कैपिटल एल एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड एल बराबर लेंथ ऑफ सोलेनोइड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में स्मॉल एन तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल एन बाई एल, यही ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा बी आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तुम लोग ये वाला भी याद कर सकते हो। अब कुछ जरूरी बातें, देखो तो मैंने यहाँ नोट्स में कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ कि इफ सोलेनोइड इज वेरी लॉन्ग, और जिसको हम लोग इनफाइनाइट सोलेनोइड भी बोलते हैं या जिसको हम लोग आइडियल सोलेनोइड भी बोलते हैं, तो कोई भी सोलेनोइड इनफाइनाइट या आइडियल कब कहा जाएगा, तो उसका कंडीशन है कि इफ लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, जब उसका लेंथ उसके रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए तो आप कह सकते हो कि सोलेनोइड इज बिहेव एज अ इनफाइनाइट सोलेनोइड या लॉन्ग सोलेनोइड या फिर आइडियल सोलेनोइड। तो उस केस में इफ पॉइंट लाई इन साइड द सोलेनोइड, अगर आपका सोलेनोइड बहुत लॉन्ग है और पॉइंट आपका सोलेनोइड के अंदर कहीं पे भी लाई कर रहा है, इफ पॉइंट लाइज इन साइड द सोलेनोइड एट एनी प्लेस, लेकिन देखो कुछ कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका सोलेनोइड है, ये बहुत लॉन्ग है और आपका पॉइंट पी यहाँ पे लाई करे या पॉइंट यहाँ पे हो या पॉइंट यहाँ पे है, बस इसके अंदर होना चाहिए, तो उस केस में अल्फा और बीटा दोनों हो जाता है 90 डिग्री, जो कि हमने किया था इन द केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी। तो जैसे ही आपका अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट बोल दे, लॉन्ग बोल दे, और पॉइंट आपका इसके अंदर लाई करे, अब उसके अंदर होना चाहिए, कहाँ पे है उससे हम कोई मतलब नहीं, उस केस में अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा 90, तो बी क्या हो जाएगा बोलो,
म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 प्लस साइन 90। तो म्यू नॉट, हाँ एन आई बाई टू, और ये हो जाएगा टू, तो सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब तुम ये याद रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, ईच, और ये कैसा आया है, देखो देखो ये कैसा आया, ये आया है यूनिफॉर्म आया है ना, देखो ध्यान से, मतलब कि वो पॉइंट पी के पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। अरे बोलो, तो बस उसके अंदर होना चाहिए, कहाँ पे है कोई मतलब नहीं है, हर जगह फील्ड तुम्हारा सेम आएगा, म्यू नॉट एन आई। फिर यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये तब हुआ जब तुम्हारा पॉइंट लाई करेगा उसके अंदर। अब मान लो इफ सोलेनोइड इज इनफाइनाइट, इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट लाइज एट वन ऑफ द एंड, मतलब सोलेनोइड बहुत लॉन्ग है लेकिन जो इस बार जो पॉइंट है वो इनसाइड नहीं है, वो किसी एक पॉइंट के एंड पे है या किसी एक एंड पे है, ऐसा देखो। मतलब ये तुम्हारा लॉन्ग सोलेनोइड है और जो ये तुम्हारा हो गया एक्सिस, और पॉइंट पी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है किसी एक एंड पे। तो इस केस में तुम्हारा एक एंगल जो है वो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा 0, और जो तुम्हारा अल्फा था वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में बी कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 0 प्लस साइन 90, पक्का ना, ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, याद रहेगा। तो अगर मेरा पॉइंट इनफिनाइट सोलेनोइड के अंदर लाई करे तो म्यू नॉट एन आई, और किसी एक एंड पे लाई करे तो म्यू नॉट एन आई बाई टू। और देखो ये इसका जस्ट आधा है पहले वाले का, इनसाइड, ये था तुम्हारा इनसाइड पॉइंट के लिए और ये था एट एंड पॉइंट के लिए। पक्का याद रहेगा, ओके। अब देखो ये मैंने यहाँ पे देखा कि इनसाइड इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और वो तुम्हारा आया था म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट एन आई हमने फील्ड का वैल्यू लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो सोलेनोइड के अंदर जो का जो प्लेस है ना पूरा, वो पूरा का पूरा तुम्हारा वैक्यूम है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। अगर वही मान लो इफ अ मीडियम इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनोइड, देन अब जो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो जहां पे तूने लिखा है ना म्यू नॉट, उसको तुम लिख दो म्यू म्यू एन आई, और ये जो म्यू होता है ना, इस बार जो म्यू लिखा है हमने उसको हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं म्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ मटेरियल और मीडियम जो हमने अभी सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट किया है, समझ में आया। तो अगर वैक्यूम रहे तो म्यू नॉट एन आई, और कोई अगर मीडियम रहे तो म्यू एन आई, और ये जो म्यू का वैल्यू होता है ना दैट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एंड म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये समझ में आ रहा है क्या, हम क्या बोल रहे हैं बोलो जल्दी से, ओके। और फॉर सॉफ्ट आयरन कोर म्यू आर का वैल्यू वेरी हाई होता है, मतलब कि हम अगर एक सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और सॉफ्ट आयरन कोर म्यू आर इज वेरी हाई।
सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन साइड द सोलेनोइड. ओके क्लियर है बोलो. ओके तो ये सब बातें तुम लोग इसको याद रखना. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, और उसका वैल्यू होगा या तो म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू एन आई, वो करता है डिपेंड कि उसके अंदर कोई मीडियम है कि नहीं है. एंड आउटसाइड द सोलेनोइड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब कि आपके पास अगर एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है तो उसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उसके बाहर का फील्ड लगभग जीरो होता है. जैसे देखो तो जो हमने डायग्राम बनाया था सोलेनोइड का, अगर वो बहुत लॉन्ग हो जाए या अगर वो लार्ज सोलेनोइड है तो अपना जो डायग्राम ये कुछ ऐसा ही आया था ना, तो ये था डायग्राम या उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू. हाँ ठीक है, तो इसके अंदर फील्ड होगा यूनिफॉर्म और कहाँ होगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसा आएगा. इसके अंदर में फील्ड है यूनिफॉर्म और इसके बाहर में फील्ड लगभग जीरो होता है, और ये तुम लोग याद रखना कि आउटसाइड एंड इनफाइनाइट सोलेनोइड फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, इनसाइड इट इज यूनिफॉर्म. याद रहेगा बोलो जल्दी से. ओके अब नोट्स में कुछ बातें देखो, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में दो पॉइंट लिया है. अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा ज्यादा खुश हो गया ना तो वो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है. देखो मैंने यहाँ पे एंगल कहाँ से लिया है, तुमको पहले क्वेश्चन में एंगल ये जो लिया हुआ है वो इस हॉरिजेंटल लाइन से लिया हुआ है, और जो हमने फॉर्मूला किया था वो डिराइव जो तुमको याद होगा वो था म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और वहाँ पे अल्फा और बीटा कहाँ था, एंगल था विथ वर्टिकल लाइन, मतलब ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ना हमने एंगल इससे लिया होता. और इस क्वेश्चन में आपको एंगल उस दो एंड का, मान लो कि अगर ये एंड ए था और ये एंड बी था, तो इस दो एंड का एंगल आपको इस पर वर्टिकल लाइन से नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे फॉर्मूला में अल्फा और बीटा एंगल विद वर्टिकल लाइन ही था. तो बोलो कि इससे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, जल्दी बताओ तो मेरे को देख के, जल्दी बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. नहीं देखो 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 सुनो मेरे को देखो, ये है ना अल्फा, देखो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये है अल्फा. देखो तो वो आने वाला है 90 माइनस थीटा 2, 90 माइनस थीटा 2 आएगा देखो, और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये वाला एंगल है बीटा, है ना. अरे देखो तो बोलो तो फिर कितना आएगा वैल्यू ऑफ बीटा, देखो चेक करो बताओ मेरे को. 90 थीटा 1 माइनस 90, देखो है ना, दिस इज थीटा 1 और जो लार्ज वाला एंगल था वो है थीटा 1. तो अब करो पुट, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 90. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 2, और देखो यहाँ पे था साइन थीटा 1 माइनस 90, तो इसको हम लोग कह सकते हैं साइन माइनस साइन 90 माइनस थीटा 1, मतलब सिंपल सी कहानी है कि यहाँ से बनाने वाला है माइनस कॉस थीटा 1. देखो तो एक बार चेक करो सब लोग बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. हाँ तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन अगर चेंज कर देगा तो फिर तुमको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे फॉर्मूला में अल्फा और बीटा क्या था, नहीं तो अगर तुमको वो नहीं पता रहेगा तो फिर तुम इसमें गलती कर दोगे. तो इसलिए मैं करता हूँ कि जब भी फॉर्मूला हम लोग करें डिराइव तो वो ध्यान देना कि हम लोग एंगल कौन सा ले रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है. अब बताओ इस केस में क्या होने वाला है अल्फा वैल्यू का, बोलो यहाँ पे क्या होगा अल्फा और बीटा, बोलो थीटा 1. हाँ वेरी गुड 90 माइनस, हाँ और बीटा, वेरी गुड
हो गया। अब जहाँ पे अल्फा और था वहाँ पे करो पुट, और बीटा था तो म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा वन, प्लस साइन 90 माइनस थीटा 2 तो कॉस थीटा 2। समझ में आया ना? तो ऐसे तुमको क्वेश्चन में भटका सकता है, लेकिन अपने को भटकना नहीं है। अब एक फाइनली तुम लोग क्वेश्चन कर लो, और ये वाला याद रखना, ये जो मैंने तुमको अभी दो नोट्स बताया है, एंगल तुम्हारा जो बदल के दे देगा वो वाला। अब एक क्वेश्चन कर लो, आसान सा क्वेश्चन है। बहुत लंबा क्लास हो गया आज। हाँ, एक क्वेश्चन है कि अ सोलेनोइड हैज लेंथ 2 मीटर एंड इट्स रेडियस 0.05 मीटर, देयर आर 2000 टर्न्स ऑफ क्वाइल यूनिफॉर्मली, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000, और करेंट इन सोलेनोइड 5 एम्पियर है। तो तुमसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनोइड, एंड नंबर बी में अ पॉइंट एट द एज ऑफ सोलेनोइड। तो देखो ध्यान से कि लेंथ है 2 मीटर और रेडियस है 0.05 मीटर, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि लेंथ इज मच मोर देन द, हाँ देखो, हाँ तो लेंथ उसका उसके रेडियस से बहुत ज़्यादा है, मतलब तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट सोलेनोइड है या फिर ये आइडियल सोलेनोइड है। तो इसके अंदर फील्ड कितना आने वाला है? तो पहले का आंसर होगा म्यू नॉट एन आई, वही ना। और जो सेकेंड तुम्हारा था कि अ पॉइंट एट द एज ऑफ सोलेनोइड, तो तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है ना। तो पहले में जो आंसर आएगा तुम उसको बस बस 2 से कर देना डिवाइड, वो तो जल्दी से अब तुम लोग सॉल्व करो। और देखो यहाँ पे एक खास बात और, ये जो मेरा फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, उसमें एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन जो तुमको क्वेश्चन में दिया है वो दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है और लेंथ भी दिया है, तो उसमें तुम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ से कर देना डिवाइड, तब तुमको मिल जाएगा स्मॉल एन, ठीक है, ओके ना। करो करो करो, देखो तो पहले क्या है आंसर आएगा, हाँ, पहले क्या आएगा 2 पाई मिली टेस्ला, मैंने इसको आंसर को लिखा है मिली टेस्ला में, और सेकेंड वाले का आंसर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई मिली टेस्ला बाई 2, सिंपल आ जाएगा तुम्हारा पाई मिली टेस्ला, ठीक है, ओके। या तुम इसको 3.14 मिली टेस्ला भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फर्स्ट केस में 6.28 मिली टेस्ला। समझ में आया ना कैसे करना था अपने को? ओके ओके ओके। और ये फील्ड कहाँ आएगा? एलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो
ये आएगा अलोंग द एक्सिस। अब इसमें मेरे को करेंट का वो नहीं पता है कि कैसा था क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं बोल पा रहे हैं कि इतना श्योर है कि एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ओके चलो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।